हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम टैंकरों से तेल चोरी के खेल का पर्दाफाश हुआ है। जिले के तेज तर्रार अफसर डिप्टी कलेक्टर मनीष सिंह ने चिड़ियापुर में दो टैंकरों से तेल चोरी करते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरे मामले में जिले के दो अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि तेल चोरी का खेल लंबे समय से चल रहा था और आपूर्ति विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। दरअसल जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को पिछले कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि नजीबाबाद राजमार्ग पर भारत पेट्रोलियम के टैंकरों से तेल चोरी कर बाजार में बेचा जा रहा है, जिस पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मनीष सिंह को पूरे मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे, जिसके चलते डिप्टी कलेक्टर ने उस इलाके में छापा मारा तो वहां दो टैंकरों से तेल निकालते हुए कुछ लोग रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम उनके करीब पहुंची, वो मौके से फरार हो गए। इस दौरान दो लोगों को पकड़ा गया जबकि 18 लोग मौके से फरार हो गए। वहीं टैंकरों के चालक क्लीनर ने टैंकर से तेल चोरी करने के तरीके का पूरा सीन दोहराया कि किस तरह से तेल चोरी किया जाता है और फिर कैसे गैंग से जुड़े लोग उसे बाजार में उतार देते हैं। बता दें कि जिस जगह पर टैंकरों से तेल चोरी करने का खेल चल रहा था वो एरिया उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है और संभवतः चोरी किया हुआ तेल वहाँ भी ले जाया जा रहा होगा। देखिए, किसी गोपनीय व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई कि ये लगातार पिछले कई वर्षों से कई महीनों से यहाँ पे जो है जो टैंकर आते हैं बीपीसीएल के या अन्य के, उनमें तेल चोरी किया जाता है और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। और जब मैंने देखा कि हम देखिए दो वाहन खड़े हैं, UP12BT3760 और दूसरा वाहन है UP07CB2274, कि दो टैंकर जो है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी को भी बुलाया गया है, जिलाधिकारी महोदय को, अब पुलिस अधीक्षक महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई है। अब फर्दर जो भी कार्रवाई है पूर्ति विभाग के द्वारा की जा रही है। बहरहाल प्रशासन को ये भी शक है कि इस पूरे काम को एक गिरोह अंजाम दे रहा है। इसमें न केवल तेल चोरी करने वाले बल्कि जंगलों से लकड़ी और खनिज चोरी करने वाले भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।